बच्चों यहाँ पे है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। जो हमारे पास स्टेटमेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में हैं उनको हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, और ये भी हमारे पास लॉज के मुताबिक हम इनको करेंगे। जो लॉज हमने पढ़े हैं उन्हीं की ये वेरिफिकेशन है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ। इसमें लॉग फर्स्ट लॉ में ये था कि हमने मल्टीप्लाइकेशन को सम की फॉर्म में लिखना है, हमने इसे एडिशन में लिखना है, तो ये एडिशन में अब लिखा हुआ है। अब हमने इसको चेंज करना है मल्टीप्लाइकेशन में, तो इसको यूं लिखेंगे लॉग 21 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इसमें है अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ, उसमें है लॉग, अब ये माइनस में है, हम इसे डिवीजन में लिखेंगे, लॉग 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर होगी 2। इसी तरह से अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 है उसमें सेकंड लॉ भी यूज हो रहा है और थर्ड लॉ भी। सेकंड लॉ में हमने इसको करना है डिवीजन में, क्योंकि दरमियान में यहाँ पे माइनस की साइन है और कुछ इसमें पावर्स का इस्तेमाल है, पावर्स लगी हुई हैं लॉ के साथ, उनको हमने उनकी असल जगह पे लगाना है। तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड लॉ, इनका मैंने ये हवाला दिया है, इसके मुताबिक हम इसको करेंगे। इसमें होगा लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई की पावर 3। इसी तरह से क्वेश्चन है हमारे पास 4, उसमें है प्लस भी है माइनस भी है, जिनमें प्लस है उसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जो माइनस है उसको हम डिवीजन में लिखेंगे, लॉग 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा आंसर। तो ये थे 4 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनको हमने हल कर लिया है, और ये भी एक एक स्टेप में इनका आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। इसकी सिर्फ हमने फॉर्म चेंज करनी है, सिर्फ इसको अकॉर्डिंग लॉस से हमने इसकी फॉर्म्स को चेंज करके इसको लिख देना है, इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 4।